हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ आए हैं लाइव गाइस। मैं आज की वीडियो में डिवॉर्मिंग करूँगा, यानी कि आपको भी दिखाऊंगा और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिस सिम्टम्स के कारण आपको डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। अगर वो सिम्टम्स आपके डॉग में आपको दिखे तो आप ज़रूर डिवॉर्मिंग अपने डॉग की करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस, सिम्टम्स में बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एक सिम्टम्स नहीं होता है डिवॉर्मिंग करने का, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। सबसे पहले आपके डॉग काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाएगा। अगर उसके पेट में कीड़े होंगे तो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हो जाएगा और वो उसकी आँखों से कीचड़ आने लगेगा। यहाँ पे उसकी आँखों में काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वगैरह आने लगेगा और साथ ही साथ वो कच्ची कच्ची आलू जैसे हो गए ये सब खाने लगेगा। जो भी कच्ची कच्ची चीज़ें होती हैं वो सब डिवॉर्मिंग करने के लिए सब खाने लगेगा, क्योंकि डॉग को अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करवाओगे तो वो खुद से अपने आप की डिवॉर्मिंग करने की कोशिश करेगा ही करेगा। और साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि आपका डॉग मिट्टी का चाटेगा काफ़ी ज़्यादा, उसको होगा मिट्टी खाने की कोशिश करेगा और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा लेज़ी भी रहेगा। और साथ ही साथ अगर कुछ कुछ डॉग अपनी पॉटी भी खा लेते हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं। आप अपने डॉग में देखिएगा, अगर ये सब सिम्टम्स दिखे तो आप ज़रूर से ज़रूर डिवॉर्मिंग करिएगा। गोबर खा लेगा, घास वास खाने लगेगा, ये सब सिम्टम्स ही हैं डिवॉर्मिंग कराने के। और ज़रूरी नहीं है ये सब सिम्टम्स आपके डॉग में दिखें तभी आप डिवॉर्मिंग करिएगा, आप पहले भी कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग का एक टाइम पीरियड रहता है, उस टाइम पीरियड में आपको अपने डॉग की डिवॉर्मिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप डिवॉर्मिंग नहीं करेंगे तो उसके कारण उसके पेट में कीड़े हो जाएंगे और वो ये सब चीज़ें खाने में लगेगा, उससे उसकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और बहुत सारे किस्म में डॉगों की डेथ भी हो जाती है डिवॉर्मिंग ना करने की वजह से, क्योंकि वो ऐसी वैसी चीज़ें खा लेते हैं जो कि उनको सूट नहीं करती, उस कारण उनकी डेथ हो सकती है। तो आपको डिवॉर्मिंग ज़रूरी नहीं, ये सब सिम्टम्स दिखाई दे तभी करिएगा, आप पहले भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपको डिवॉर्मिंग कैसी करनी चाहिए। तो जब भी आप डिवॉर्मिंग की मेडिसिन लें, कोई भी ऑनलाइन बताए ऑफलाइन बताए, तो आप उसके बाद मत मानिएगा। आप एक बार अपने वेटनरी डॉक्टर के पास जाइएगा, अपने डॉग को दिखाइएगा कि मेरा ये ब्रीड का डॉग है, तो खुद ही डॉक्टर ही दवाई देगा, सजेस्ट करेगा आपको कि आपको इस ब्रांड की ये इतनी डोज देनी है अपने डॉग को। वो जो बताएं वही डोज आप दीजिएगा, उससे ज़्यादा डोज उससे कम डोज मत देना। तो ऑनलाइन वगैरह के चक्कर मत पड़ेगा। तो ये जो मेरे पास है ये मैं इसलिए नाम इसका नहीं बताऊंगा, आप अपने आसपास जिसको भी आप वेटरनरी डॉक्टर को जानते हो आप उनसे कंफर्म जरूर रहिएगा, उनसे पूछिएगा जरूर, क्योंकि बहुत सारे केस मैंने देखे हैं ऐसे। तो अब बात कर लेते हैं, जिस हिसाब से आपका डॉक्टर वेट होगा उस हिसाब से आपको डोज बताएंगे। तो देखिए हनी की जो डोज है, तो मैं तो हनी को ये अभी मुझे दो टेबलेट देनी पड़ेंगी हनी के जिस हिसाब से वेट है। और ये नेक्स्ट टाइम पीरियड है, आप ये देख लीजिएगा क्या टाइम पीरियड आपको डॉक्टर बताता है, उस टाइम पीरियड के बाद आप अगली भी दे सकते हैं। और जब भी डिवॉर्मिंग की आप गोली दें अपने डॉग को, तो उसके बाद आप कुछ अपने डॉग को मीठा ज़रूर खिला दीजिएगा, कुछ ना कुछ मीठा खिला दीजिएगा। आप देखो गाइस, मैं ट्रिक भी बता देता हूँ आपको अपने डॉग को कैसे खिलाना है। उसका मुँह ऐसे खोल लेना है, उसका मुँह खोल के उसके एकदम गले पे रखना है, गले पे, और गले पे रख के आपको गाइस ऐसे बंद कर देना है, बंद कर देना और सहला देना थोड़ा सा। और जब आपका डॉग जीभ निकाले बाहर, जब जीभ निकालने की कोशिश करे तो आपको छोड़ देना है, मतलब आपके डॉग ने गोली खा ली है। तो हनी ने भी अभी दोनों की दोनों गोली एक ही बार में खा ली है। तो गाइस मैंने तरीका बता दिया, आप ऐसे खोल लीजिएगा मुंह अपने डॉग का ऐसे, फिर एकदम यहाँ पे सेंटर पे रखना है एकदम गले पे, उसके बाद मुंह बंद कर लेना है। और जब तक आपको बंद रखना है ऐसे ऐसे करते रहिए जब तक वो जीभ बाहर ना निकाल दे, जब जीभ हल्की सी बाहर निकाल दे तब छोड़ दीजिए, मतलब खा लिया उसने। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।